हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 21 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका लाइफ साइकिल मेथड का कंस्ट्रक्टर की किस तरीके से कंस्ट्रक्टर मेथड वर्क करता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैस की गाइज मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, हमारी वेबसाइट, गेटहब और सारे प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी, तो जाएं फॉलो कर लें। और फ्री सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट और गेटहब के पेज से मिल जाएगा गाइस। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में, लाइफ साइकिल कंस्ट्रक्टर मेथड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं डिटेल में कवर करूंगा और पार्ट्स में बनाऊंगा, मैं छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ये, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से लाइफ साइकिल मेथड समझ में आ जाए रिएक्ट के अंदर। और हम इसके अंदर सबसे पहले क्लास कंपोनेंट्स के साथ में देखेंगे चीजों को, फिर उसके बाद में फंक्शनल के आपके हुक्स, जो हुक्स आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं आफ्टर 16.3 वर्जन के बाद में, हम उन मेथड्स को भी करेंगे। ओके, बट पहले हम क्लास कंपोनेंट्स के साथ में इन चीजों को देखेंगे, जिसकी वजह से आपको चीजें समझ में आ सके और आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को बता सकें डिटेल में। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन के बाद इंट्रोडक्शन रखा है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। In React, the constructor method is a part of the component's life cycle and is invoked during the mountaining phase. The constructor is a special method that gets called when an instance of component is created. It means कि जब भी हमारा component होता है ना, उसका instance जब create हो चुका होता है, मैं render की बात नहीं कर रहा, ना return की बात कर रहा हूँ, उससे पहले ही आपका constructor यहाँ पे create हो चुका होता है और वो सबसे पहले call होता है, वो देखेंगे अभी हम एग्जांपल में। एंड इसके बाद मैंने रखा है आपका यहाँ पे पर्पस। पर्पस में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं। ओके, क्यों हम यूज करते हैं आपका। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर इनिशियलाइज द कंपोनेंट स्टेट एंड बाइंडिंग इवेंट हैंडलर्स। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब कभी भी कंपोनेंट्स की जो स्टेट्स होती है वो मैनेज कर सकते हैं, या फंक्शंस जो इवेंट्स होते हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, इट इज ऑल्सो यूज टू सेटअप द इनिशियल वैल्यूज और स्टेट बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स प्रॉप्स। ओके, जो मैंने आपको प्रॉप्स की एग्जांपल दिए थे कंपोनेंट बेस्ड आपके क्लास के साथ में, तो वहां पे आपने देखा था कि किस तरीके से प्रॉप्स को आप चेंज कर सकते हैं आप क्लास कंपोनेंट के अंदर। ओके, इसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे, द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर द कंपोनेंट इज माउंटेड टू द डॉम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो सबसे पहले आपका कॉल होता है, अब जबकि आपका जितना भी कंटेंट होता है डॉम पे आने से पहले ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ओके, इसके बाद जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सिंटैक्स। ओके, इन अ क्लास बेस्ड कंपोनेंट द कंस्ट्रक्टर मेथड इज डिफाइंड विद इन द कंपोनेंट क्लास। ओके, कि क्लास के साथ में ही चीजें चलते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको क्लास मेथड सिखाया था, वहां पे वहीं पे भी मैंने आपको चीजें सिखाई थी कि कैसे आपका कंस्ट्रक्टर, सुपर, ये सारी चीजें वहां चलती हैं। ओके, वही चीजें यहाँ पे भी सेम होने वाली हैं। The constructor takes a props parameter which is optional. It should be passed to the super method to call the constructor of the parent class, usually component. It means कि जितनी भी चीजें होती हैं, जब कभी भी हम आपका constructor declare करते हैं तो वहां पे हमें super use करना पड़ता है कि जिससे कि हम वहां पे चीजें चला सकें और use कर सकें उसकी। Okay. Third point है आपका यहाँ पे, the state can be initialized within the constructor by assigning a object this dot state. Okay. कि हम जितनी भी चीजें उसको असाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये था आपका सिंटैक्स से रिलेटेड, पर्पस से रिलेटेड, मीनिंग से रिलेटेड कि कंस्ट्रक्टर है क्या और इसको क्यों यूज करा जाता था आपका क्लास कंपोनेंट के साथ में। ओके, अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले आपका कोई भी चीज रेंडर होने से पहले कैसे कॉल हो जाता है सबसे पहले। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे और इस एग्जांपल को करके देखते हैं गाइस। सो गाइस, हम आ गए अपनी यहां पे एडिटर पे। एडिटर पे आने के बाद में मेरे पास में फाइल है app.js। ओके, ये रनिंग फाइल है, इसके अंदर H1 रखा है हमने, लाइफ साइकिल मेथड्स इन रिएक्ट। ओके, यही हम पढ़ रहे हैं और इसका आउटपुट कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और यहाँ कंसोल ओपन है हमारा। और सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा, हम इस फंक्शन कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट में हमें चेंज करना होगा, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कराएंगे आपके कंपोनेंट को। ओके, एंड देन इसके बाद में फंक्शन को रिमूव करेंगे यहाँ से, हम यहाँ पे यूज करेंगे क्लास। क्लास के बाद में आपके पैरस नीचे हटेंगे, एक्सटेंड्स। ओके, आपका कंपोनेंट्स। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे होता है आपका रेंडर। ओके, और रेंडर के अंदर आता है आपका रिटर्न। ये हो गया हमारा यहाँ पे आपका क्लास कंपोनेंट। करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे, तो आउटपुट सेम है अभी भी। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसे कॉल हो जाता है। यहाँ तो आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर H1 दिख रहा है, जो div हम यहाँ पे बना रहे हैं वो दिख रहा है यहाँ पे सबसे पहले।
तो यहां पे दिखेगा कैसे वो, तो यहां पे हमें करना क्या होगा, मैं यहां पे ले लेता हूं आपका एग्जांपल वन। ओके, अगर मैं कंस्ट्रक्टर ले रहा हूं कंसोल, और इस कंसोल में हम क्या करेंगे, यहां पे यही लिख देंगे आपका कंस्ट्रक्टर, ये हो गया पहला कंसोल। अगर मैं आपको यही कंसोल कॉपी करके ओके रिटर्न के बाद रख दूं यहां पे, और यहां पे मैं लिख दूं आपका रेंडर मेथड, ठीक है। तो इसके बाद में अब कैसे होगी चीजें, यहां करूंगा अगर मैं सेव, एंड सेव करके आपको चलूं यहां पे, एंड यहां पे आएंगे तो यहां पे देखिए अभी एरर आ रहा है। अब देखिए एरर क्यों आ रहा है, अब ये एरर जानबूझ के मैंने अभी एक चीज मिस करी है। अब बताइए क्या चीज मैंने मिस करी है, यहां पे मैंने मिस करी है आपके यहां पे सुपर। ओके, अब आप देखेंगे कि मैंने यहां पे सुपर यूज नहीं करा, बट हमारा यहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड तब भी चल गया जबकि ये एरर आ रहा है अभी। और आप कंसोल में देखेंगे ना, यहां पे लाइन नंबर 6 के ऊपर आपका कंस्ट्रक्टर यहां पे कॉल भी हो रहा है। ओके, अब ये जो दो बार कॉल होता है ना, उसका सिंपल मेथड क्या है इसको रिमूव करने का, अगर आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। यहां से आपको बस index.js फाइल में जाना है, आपको रिएक्ट और ये जो स्टिक मोड है ना इसको रिमूव कर देना, अपने आप ही वो सही हो जाएगा। ओके, मैं इसे रिमूव नहीं करता, दैट्स व्हाई वो दो-दो बार वहां पे कॉल होता है। ओके, एंड यहां पे इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पे जितनी भी एरर है, अब इसको फिक्स करना है, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, हम यहां पे यूज करने वाले हैं सुपर को। सुपर को आपको यहां पे डिक्लेयर करना होगा। ओके, मैं यहां डिक्लेयर कर दूंगा सुपर को, करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद आप यहां पे आएंगे तो देखिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूं। अगेन रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहां पे कंस्ट्रक्टर मेथड और रिटर्न मेथड को। ओके, तो ये दोनों के दोनों मेथड आपको यहां पे विजिबल हो भी रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे दो बार आ रहा है, तो मैं यहां पे इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, एंड रिमूव करने के बाद में अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो देखिए एक एक बार ही अब आपको यहां पे कंसोल दिख भी रहा होगा। ओके, तो ये मेथड आप भी यूज कर सकते हैं, रिमूव कर दीजिए उसे कि दो बार अगर आपका कंसोल आ रहा है तो। अब तो यहां पे हमें दिख रहा होगा सबसे पहले हमारा क्या चला, कंस्ट्रक्टर मेथड चल रहा है, फिर उसके बाद में हमारा रेंडर हो रहा है। ओके, रेंडर क्या हो रहा है हमारा, जो भी हम एचटीएमएल लिख रहे हैं वो हमें यहां पे विजिबल हो रहा है। तो यहां पे हमें कंस्ट्रक्टर मेथड सबसे पहले यहां पे रेडी मिलता है, जो इसमें हम आपका स्टेट के साथ चीजें कर सकते हैं, बट हम यहां पे कभी भी एपीआई वाला काम नहीं करते हैं। अब एपीआई क्यों नहीं फेच करते हैं हम यहां पे डायरेक्टली, क्योंकि हमारा जब एपीआई होता है जो, उसमें हमें बहुत सारी चीजें फेच करके जो फंक्शंस होते हैं वो, और जो उसके अकॉर्डिंग हम एचटीएमएल जो भी हम रेंडर के अंदर यहां पे एचटीएमएल रेंडर करते हैं मैपिंग के साथ में, वो हमारा रेडी नहीं होता है। तो जब कभी भी अगर हम अपनी एपीआई का डेटा जो भी फेच करने का मेथड है अगर हम इसमें कॉल करवाएंगे तो वो पहले ही कॉल हो जाएगा और वो हमें एरर शो करने लगेगा। ओके, इसलिए हम उसको इसके अंदर नहीं रखते हैं। ये है आपका कंस्ट्रक्टर का मेथड गाइस, लाइफसाइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि क्लास कंपोनेंट के साथ में चलता है। आपने देखा क्यों, आपने देखा सबसे पहले ये आपका रेडी रहता है, क्रिएटेड होता है डॉम से भी पहले, और किस तरीके से आपको यहां पे चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर, इसको आप प्रैक्टिस करें थोड़ा और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो पहले देख लेते हैं यहां पे। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रेंडर के बारे में, कि रेंडर में आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको कंसोल लगा के वहां पे दिखाया है चीजें, वहां पे और भी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब क्लिक टिल देन, बाय बाय गाइस।